हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने एक बहुत स्पेशल और यूनिक रेसिपी बनाई है, वो है हमारा अचारी खेमा रेसिपी। बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार बना है ये, दाल चावल के साथ तो बहुत मज़ेदार लगता है। चलिए सिखाती हूँ मैं आपको अचारी खेमा बनाने की रेसिपी। अचारी मटन खेमा बनाने के लिए मैंने मटन लिया है और ये जो मसाले हैं हमारे, इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। राई, जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और धनिया है, हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। इन चारों चीज़ों को हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अचारी खीमा बनाने के लिए मैंने कुकर में ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। फ्लेम हमारी ऑन है और मैं इसमें हमारे मटन खीमा इसमें डाल लूँगी। डालकर इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि ये अच्छे से फुला फुला बन जाए। मैंने अच्छे से चलाते हुए हमारे मटन खीमा को भून रही हूँ। देखिए, मैंने अच्छे से इसे भून लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, 1 टीस्पून जितना। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसमें। मैं इसमें मिर्च पाउडर डाल लूँगी, 1 टीस्पून। मेरा स्पून छोटा है तो मैंने 2 स्पून डाले हैं, लगभग ये 1 टीस्पून है। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं चलाते हुए। कुछ देर के लिए फ्लेम को लो कर कर मैं इसे ढक लूँगी। मैं इसे खोल कर चेक कर लूँगी। देखिए, 1 मिनट तक मैंने अच्छे से भूना था पहले, अब मैंने लो फ्लेम पर इसे रख दिया था, इतने में ही यह सॉफ्ट हो चुका है हमारा मटर। देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन डालूंगी। ये 2 लेमन है जिसका मैंने जूस निकाल लिया था, वो मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से पकने के लिए छोड़ूंगी 1 मिनट तक, और 1 मिनट मैं इसे ढककर पकाऊंगी। मैं खोल कर चेक कर रही हूँ। देखिए, हमारा सारा पानी इसमें छूट चुका है और हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है। जो हमारा खीमा है, अचारी खीमा, वो भी अच्छे से गल चुका है। लेमन जूस जो डाला था मैंने, वो भी सूख गया है इसमें। देखिए, बिल्कुल ड्राई हो गया है, अच्छे से भुन गया है ये। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अचारी खीमे को हमें अभी तड़का लगाना है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी, 1 बड़ा टीस्पून जितना, मैंने टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, वो अच्छे से गरम कर लूँगी। मैं 1 टीस्पून जितना जीरा इसमें डाल रही हूँ। राई हमें इसमें नहीं डालना है, सिर्फ जीरा डालूँगी। देखिए, थोड़ा सा लाल हो रहा है, फ्लेम को ऑफ कर लिया है मैंने। थोड़ा सा इसे ठंडा कर लूँगी। जो पाउडर बना कर रखा था वो इसमें डाल लूँगी। ये पाउडर हमें जलाना नहीं है, अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और करी पत्ता भी इसी में डाल लूँगी। देखिए, अच्छे से करी पत्ता भी हो गया है। अब मैं ये खीमे में तड़का लगा लूँगी। कि आप 1 हफ्ते तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें हमने प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं डाले हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे बाहर भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। अगर फ्रिज में आप रखना चाहे तो 15 दिन तक भी ये अच्छे से ख़राब नहीं होता है, अच्छे से रहता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।